नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 19 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो दोपहर दो, दो बज करके छब्बीस मिनट तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है कृतिका नक्षत्र है योग बव करण है बात हो गई पंचांग की, की चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः आठ बज करके चौदह मिनट तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के बाईस मिनट से दोपहर बारह बजकर के 5 मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल प्रातः साढ़े दस बजे से दोपहर बारह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज गुरु नानक देव की जयंती है स्नान और दान के लिए कार्तिक पूर्णिमा आज मनाया जाएगा और पुष्कर तीर्थ में आज स्नान का विधान है तो वहीं काशी में देव दीपावली का विश्व प्रसिद्ध पर्व आज मनाया जाएगा प्रिय दर्शकों दिव्य महाप्रयोग में आजकल हमारी चर्चा ग्रहों की प्रत्येक भाव में उपस्थिति पर ऋषियों का ज्योतिषियों का जो पूर्व के ज्योतिषी हुए हैं उनका क्या मत है वो क्या कहना चाहते हैं इस पर हमारी चर्चा चल रही है आज चर्चा देवगुरु बृहस्पति की है तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्तुतियों की आज चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए मेष में और इसके पश्चात फिर पूरे दिन वृषभ में रहेंगे वहीं पर राहु हैं और देखा जाए तो मंगल और बुध की युति तुला में केतु और सूर्य वृश्चिक में तो वहीं शुक्र धनुराशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो यह ग्रह गोचर कुंडली में चंद्रमा आज उच्च राशि में होंगे लेकिन राहु के साथ युति बनाए हुए ग्रहण योग योग का निर्माण करेंगे हालांकि गुरु की दृष्टि से वो दृष्ट जरूर है नवम पंचम योग भी बनेगा लेकिन इसका कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि गुरु की अगर स्थिति को देखें और चंद्रमा की स्थिति को भी देखें तो वो राहु के साथ युति में होने के कारण कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का कारण उत्पन्न करेंगे इस समय राहु कृतिका नक्षत्र में ही है और चंद्रमा भी जब कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो मानसिक अशांति दबाव परेशानी तो वहीं क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी परेशानी इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होगी तो आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे आज शुक्रवार का दिन कौन सा वो कार्य है जिन्हें आप बिल्कुल आज ना करें कौन सी वो राशि है जिसे अपनी वाणी पर विशेष रूप से विराम लगा करके कर रखना है और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रहस्तुति इन्हीं ग्रह के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों देव गुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली के लाभ भाव में होना कारक है ये इस भाव के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जन्म कुंडली के पंचम में सप्तम में नवम में एकादश में देव दसम में देवगुरु बृहस्पति कारक माने गए हैं इन भावों के ये विशेष कारक हैं दसम भाव के तो और भी ग्रह हैं गुरु लाभ भाव के विशेष कारक ग्रह हैं अति विशिष्ट कारक सूर्य और बुद्ध हैं लेकिन गुरु कारक हैं इस भाव के और अकेले होने पर भावनाश भी कर देते हैं अब यहां पर एक मत जरा सुनिए और इस मत पर अपनी चर्चा में आगे, आगे आपको समझाता हूं सबसे पहले जीवनाथ की जो चर्चा है ये ज्योतिष के समझ लीजिए कि ये सभी पुरोधा थे इन्होंने ज्योतिष को स्थापित किया हमारे लिए इनका कहना है कि पृथ्वी पर उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है जिसकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और लगभग सलाभ ऐसी चर्चा वारा मिहर की मिली जयदेव काशीनाथ मानसागरी चाहे ढुंडीराज मंत्रेश्वर बृहद यमन जातक मत सबने केवल और केवल देव गुरु बृहस्पति के लाभ भाव में होने की प्रशंसा की जब प्रथम लाइन जो मैंने बताया उसी बात की पुष्टि सबने की कि जिसकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति हो उसके लिए पृथ्वी पर कुछ भी अलभ्य नहीं है लेकिन यह चर्चा क्यों लेकर के उपस्थित हुआ क्योंकि कल्याण वर्मा और गर्गाचार्य ने इसमें थोड़ी अलग बात कही हालांकि धन के मामले में कल्याण वर्मा बिल्कुल एक बात कहते हैं अपरिमित धन और धन आगमन के कई सारे मार्ग गर्गाचार्य भी यही बात कहते हैं धन आगमन के मामले में लेकिन दो मामलों में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति लाभ में हो तो संतान सुख में कमी ऐसे जातक की संतति संता उसकी बात को नहीं मानती ऐसे जातक को संतति दिक्कत से और हो जाए तो वो कहीं ना कहीं निकम्मी होती है और एक और कमाल की बात कही लाभ भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति जातक को बुद्धिमान बनाता है लेकिन उसकी शिक्षा बाधित होती है यह कमाल का विषय था इस विषय पर मंथन करना बहुत जरूरी था जिन्होंने देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव में प्रशंसा की वो बिल्कुल ठीक हर ग्रह लाभ भाव में अच्छा ही फल देते हैं और लगभग प्रभाव तो देखने को मिलता है बल्कि मैंने एक सूत्र में कहा था कि देव गुरु बृहस्पति की कहीं से भी दृष्टि संतान भाव पर हो जाए तो संतान सुख तो अवश्य ही मिल जाता है यहां इन्होंने कहा कि संतान सुख के मामले में प्रश्न नहीं खड़ा किया इन्होंने कहा अल्प संतति हालांकि अल्प संतति की बात आज के समय में कुछ मायने ज्यादा नहीं रखती है क्योंकि किसी को एक और दो इससे ज्यादा किसी को हो नहीं रहा तो अल्प संतति ही सबको है सो अल्प संतति कोई समस्या नहीं है लेकिन देव गुरु बृहस्पति इसके कारक हैं इन दोनों ही चीजों के और इसमें कमी इसमें कमी की बात कही एक और कमाल की बात कही कि देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव में हो तो भाग्योदय दोनों का होता है पिता और पुत्र दोनों का और बड़े कम उम्र में ही दोनों भाग्यवान होते हैं लेकिन एक लाइन जो कहा कि जातक की संतति कमी होती है यहां पाश्चात्य मत भी देव गुरु बृहस्पति के लाभ भाव में होने से श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला ही कहा ऐसा लगता है कि कल्याण वर्मा और गर्गाचार्य जी ने देव गुरु बृहस्पति के भावनाश वाली बात पर विचार करके ये बात कही है या पीड़ित हो देवगुरु या नीच राशि में हो देवगुरु उस पर विचार करके उन्होंने ऐसा कहा कि शिक्षा में बाधा या संतान सुख में अल्पता या संतान का विकसित न होना खैर मेरे अनुभव में देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव में होकर के पंचम पर दृष्टि डालना पंचम से संबंधित कोई विशेष परेशानी आज तक देते देखते थे मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी लेकिन ये मायने नहीं रखता अगर उन्होंने कहा है तो कुछ तर्क और तथ्य हो सकते हैं बहुत सारे दर्शक होंगे जिनकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं आपके पास क्या ऐसा मत है देव गुरु बृहस्पति का लाभ भाव में होना अपने आप में श्रेष्ठ है श्रेष्ठता बताने की कोई आवश्यकता नहीं कोई कमी अगर आपको जीवन काल में विशेष करके संतान और शिक्षा के मामले में हुई है विशेषकर आपकी शिक्षा बाधित हुई है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का लाभ भाव में बैठ करके पंचम को देखना मैंने अपने कार्यक्रमों में और अपने अनुभव में कहा कि ऐसे जात हालांकि इस बात की पुष्टि उन्होंने की है कि ऐसे जातकों के लिए मैंने एक शब्द कहा कि कार्यक्रमों में अपनी बात कहा कि ऐसे जातक जीवन के साठवें वर्ष में, में आठवें वर्ष के समान पढ़ सकते हैं ये आरदास्त इनकी बहुत तेज होती दिमाग इनका बहुत तीव्र होता है तो बुद्धिमत्ता वाली बात कही है, लेकिन शिक्षा बाधित शब्द का इस्तेमाल किया है तो शिक्षा बाधित कितने जातकों का हुआ कितने लोगों का हुआ इस बात को जरूर आप कमेंट में लिख सकते हैं ये विचार करने योग्य बात बनेगी अब चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही है राशि परिवर्तन करके ये जा रहे हैं आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रातः काल ही सूर्य के नक्षत्र में सुधन कमाने का निवेश करने का कोई महत्वपूर्ण तो मौका आज आपको मिलने वाला है दिन ठीक है आपके लिए कल की अपेक्षा बहुत अच्छा है लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचिए हालांकि जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भाइयों से आपको हर प्रकार से मदद मिलेगी और कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग आज आज आपको प्राप्त होगा कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे प्रारंभ करने के लिए शुरू करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से करने के लिए आज का दिन ठीक है और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा चाहे व्यक्ति कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो व्यापार से संबंधित सामान्य टेंशन रहेगी लेकिन कोई बात नहीं व्यापार के लोगों के कारण जो आपके सहयोगी हैं उनके सहयोग से आपकी समस्या दूर होगी आज कई ऐसे बड़े काम हैं जो आपके बहुत दिनों से रुके हुए थे वो बन सकते हैं यात्रा आप कर सकते हैं यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है मेष राशि के जातक बस इस बात का ख्याल रखें कि जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश नहीं करनी जो काम आसानी से हो जाए वही करिए दाम्पत्य जीवन आपका सुखद हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी और प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन सामान्य है विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए और स्वास्थ्य के मामले में आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है जो जरा वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा आज मेष राशि के जातक लाल चंदन अपने माथे पर लगाए काल लकी अंक का आपके लिए छह लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश करते हैं तो कर सकते हैं वृषभ की बात करें तो चंद्रमा आज आपकी राशि से बार हुए आपकी राशि पर ही प्रातः काल आ जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में वैसे तो श्रेष्ठ है दिन सहयोग मिलेगा आपको पूर्व के किए कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है परंतु आज एकाएक कोई कदम अचानक जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा नौकरी में पदोन्नति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कि इस मामले में सफलता आपको मिलने वाली है आपका कोई काम ये बनने वाला है आमदनी में वृद्धि के योग हैं और कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से और कुछ खास लोगों से आपको मदद भी मिलेगी व्यापारियों को व्यापार आज सामान्य ही लाभ देने वाला है क्रोध से बचना है परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं लेन देन के लिहाज से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है जीवन साथी से मदद मिलेगी परंतु जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी और प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी समय आपके अनुकूल है अधिक से अधिक मेहनत करिए मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां कुछ कम होंगी हालांकि तब भी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी की संभावना है आज कोई भी तीन प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को दे दीजिएगा आपके आपके लिए लाभप्रद आपके लिए लाभप्रद होगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश आप कर सकते हैं और मिथुन राशि के जातक बेहद सतर्क और सावधान रहें आज किसी नजदीकी किसी सहयोगी किसी अपने विश्वासी से जिस पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास था विश्वासघात की संभावना है कार्यस्थल पर भी दिन आज कुछ बहुत अच्छा नहीं है अधिकारी आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे कामकाज में बाधा दिखाई पड़ रही है आपको अपने कामकाज में सुधार की आवश्यकता है समस्या का समाधान न मिल पाने के कारण बार बार बात बात पर क्रोध आना और किसी खास नतीजे पर पहुंचना चाह रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं काम न बन पाने के कारण धैर्य की कमी के कारण समय अधिक लगने के कारण आज आप थोड़े टेंशन में जिद्द में गुस्से में आएंगे अब इसके चलते माहौल तो खराब होगा ही व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते रहिए परंतु इनकम में कमी आएगी लाभ कम होने वाला है जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए नहीं तो काम बिगड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आज मिथुन राशि के जातक बचें अन्यथा आपका काम बिगड़ता ही दिखाई पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन सामान्य है जीवन साथी का साथ तो मिलेगा और प्रेम संबंध की बात करूँ तो प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक ठाक है बहुत अच्छा नहीं है यानी मिथुन राशि के जातक आज पूरी तरह से सचेत और सावधान रहें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम ही लगेगा स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी आपको महसूस होगी और कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी आंखों में जलन की शिकायत संभव है आज रुद्रसुक्त का पाठ या श्रवण करिएगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज हरा है निवेश ना करिए और कर्क के लिए अति उत्तम है बीते कुछ दिनों की जो समस्याएं चिंता बाधा परेशानी आपके जीवन में आ रही थी वो सब दूर होती दिखाई पड़ रही है अचानक धन लाभ के योग है बड़ा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है किसी से उपहार मिलता दिखाई पड़ रहा है कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश रहने वाले हैं कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है हालांकि मन की बात आज आपको मन में ही रखनी है किसी से शेयर नहीं करनी और एकाग्र होकर के जितने काम आप कर सकते हो आज करिए ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा कर लेना है हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी किसी पुराने परिचित से मुलाकात और जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी आज कर्क राशि के जातक सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है इसी से आपको नुकसान होगा किसी भी प्रकार से विवाद नहीं करना किसी के साथ विवाद नहीं करना विवाद का हिस्सा मत बनिए व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है खर्च पर जरा कंट्रोल रखिए हालांकि धनागमन बहुत श्रेष्ठ है और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है प्रेम विवाह संबंधित अगर कोई मामले जो अनसुलझे थे जिसको लेकर के चिंतित थे वो सुलझ जाएंगे दाम्पत्य जीवन भी ठीक है आपका विद्यार्थियों को टेंशन से निराशा से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष तकलीफ नहीं है हर तरह से स्वास्थ्य भी बढ़िया है यानी कि मिला जुला करके कर्क राशि के जातक आज के दिन को श्रेष्ठ समझें कहीं कोई समस्या नहीं रुद्र सुक्त का पाठ या श्रवण आपको भी आज करना है इससे आपको लाभ मिलेगा लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है निवेश अवश्य करें और सिंह की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से भाग्यस्थ और इसके पश्चात दशमस्त हो जाना बहुत बढ़िया है पिता से सलाह लेकर के कोई कार्य करें कार्यस्थल पर भी जो उच्च अधिकारी हैं उनकी बात को मानते हुए अगर आगे बढ़ें बहुत ज्यादा अहंकार में पड़ने की जरूरत नहीं है जो चीज़ न समझ में आए उसमें औरों को आगे करिए कोई जरूरी नहीं कि हर मामले में आप ही सही हों और थोड़ा सावधान रह करके निर्णय लेकर के काम करिए ज़्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे और लोग आपसे आज खुश भी रहेंगे व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया देख रहा हूं नौकरी में कोई नया प्रस्ताव मिल रहा है उस पर आप विचार करके स्वीकार कर सकते हैं किसी भी मामले में अगर संकोच हो रहा है फैसला लेने में तो आज फैसला मत करिए फायदे में रहेंगे और व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया बहुत बढ़िया है व्यापार में लाभ दिखाई पड़ रहा है कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वैवाहिक जीवन आज सिंह राशि के जातकों का पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी प्यार के इजहार के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है तो वहीं विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से आज के दिन को आप अनुकूल बना सकते हैं अच्छी सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और कफ जन्य रोगों की शिकायत आज आपको होने वाली है आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए अगर आप सिंह राशि के लाभ मिलेगा लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है निवेश भी आप कर सकते हैं और कन्या की बात करें तो चंद्रमा का ये जो परिवर्तन हो रहा है अष्टम से अब आपके भाग्य में आ जाएंगे तो ये आपके निजी जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने वाले हैं हालांकि बता दूं कि आज पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी थोड़ी परेशानी होने वाली है जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है और काम के प्रति जोश तो बना रहे परंतु आज उतने ही काम आपको हाथ में लेने हैं जितना कि करने में आप सक्षम हो ऑफिस हो या फील्ड वर्क आज बड़ा सतर्क रहिए सावधान रहिए बातचीत में कड़वाहट न लाइए आपकी बातों से लोगों को ठेस पहुंच सकता है लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं सो बातचीत के दौरान जरा सतर्क रहिए आमदनी में वृद्धि के योग तो हैं लेकिन अनियंत्रित खर्च के कारण भी परेशानी होगी और व्यापारियों को किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए विवाद से दूर रहना चाहिए नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी न हो इस बात का ख्याल रखिए और भावना में बहकर के कोई कदम मत उठाइए प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव बड़ा रहने वाला है दिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा प्यार भी मिलेगा और विद्यार्थियों को जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत कर लेना चाहिए विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है बल्कि परेशानी थी तो आपको राहत मिलने वाली है रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आज आपको करना चाहिए लकी अंक नौ लकी कलर आपके लिए आज पिंक है निवेश कर सकते हैं तुला राशि के जातक बेहद सतर्क और सावधान रहें कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए क्योंकि परिणाम श्रेष्ठ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा दोनों के लिए कहना चाहता हूं मेहनत भरा है दिन लेकिन मेहनत का जो श्रेष्ठ परिणाम आपको चाहिए वो प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ रहा है मेहनत का परिणाम श्रेष्ठ न मिले चलेगा स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो आपसे बन पड़े वो करिए वाणी पर नियंत्रण रखिए और व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए नई नौकरी अगर ज्वाइन करने वाले हैं नई नौकरी के कागजात पर साइन करने वाले हैं बिल्कुल बचिए रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है आपके प्रयत्नों से आज पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम आप अपने कारोबार को व्यवस्थित करने में ही लगाइए यात्रा करने से बचिए यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है और किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना है निवेश के मामले में अचानक कोई फैसला नहीं लेना है नहीं नुकसान हो जाएगा और जमीन जायदाद से संबंधित कोई खरीदारी करनी है तो आज इस खरीदारी को स्थगित रखिए लेन देन करने के दृष्टिकोण से भी आज का दिन किसी भी तरह से ठीक नहीं है तो तुला राशि के जातकों को जिन मामलों में मैंने सावधान किया है सावधान अगर रहते हैं तो सुरक्षित रहेंगे दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपने खुद का भी स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है तो वहीं प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य रहने वाला है दिन मेहनत ज्यादा ही है परिणाम उतना श्रेष्ठ नहीं दिख रहा और स्वास्थ्य के मामले में तो मैंने कहा ही कि दिक्कत है थोड़ी सावधानी रखिए गाय को आज हरा चारा दीजिए इससे लाभ रहेगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तमस्त सूर्य के नक्षत्र में आना अभी अभिराशि से आपके ष्ठ में है यह ठीक रहेगा कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे लेकिन आज आपके आलोचक भी बड़ी मात्रा में खड़े खड़े हो जाएंगे और हो सकता है आपके मान सम्मान को आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करें ऐसा करिए कि खुद का काम करिए जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करिए ताकि वक्त आने पर लोग आपके साथ खड़े रहें और जहां उलझन दिखाई पड़ रही हो ऐसे जगहों से आज दूर ही रहिए दोस्तों या प्रेमी सबके साथ संबंध में सुधार करने के लिए ही यह समय है संबंध में सुधार करने का प्रयत्न करिए और घर परिवार को लेकर के अगर कोई फैसला करना चाहते हैं तो यह सही समय है कर सकते हैं हालांकि आपके रोजमर्रा के जितने भी काम हैं मैं सभी कार्यों को पूरा होते देख रहा हूं पर फिर भी भूमि भवन वाहन से संबंधित जो बड़े कार्य हैं वो आज अभी एक दो दिनों के लिए आप स्थगित करिए मीडिया से जुड़े लोगों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन और आज वृश्चिक राशि के जातक सबसे ज्यादा जरूरी है अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और कहीं भी रहें बहस या विवाद की स्थिति न बनने दें बहस या विवाद की स्थिति में आपको नुकसान होगा प्रेम संबंध के मामले में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में भी सुखद अनुभूति मिलती दिखाई पड़ रही है घर का वातावरण भी खुशियों भरा रहेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है जितना हो सके मेहनत करिए विशेष करके कोई परीक्षा इत्यादि आपने दिया हुआ था तो परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है कफ जन्य रोगों से परेशानी जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आप भी जरा वाहन चलाते हैं तो सावधानी आज बटुक भैरव स्तोत्र नाम का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है निवेश कर सकते हैं परंतु जानकार किराए से ही कीजिएगा धनु की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचम में और फिर उसके पश्चात ष्ठ में आ जाना कार्यक्षेत्र में वैसे तो खुशियां मिलने वाली है बल्कि कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होगा साथ के लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे तो वहीं कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से प्रसन्न जो अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा आपका सहयोग उनको मिलेगा सो वो भी आपसे संतुष्ट परंतु जरूरत से ज्यादा भावुक मत होइएगा और भावुक होकर के बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिएगा व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी विशेष करके कोई कानूनी अड़चन थी तो वो अड़चन आपकी दूर होने वाली है कारोबार में वृद्धि के योग है वाहन का उपयोग जरा सावधानी से करिएगा और जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है आज आपका कोई अपना ही आपकी परेशानी का कारण बनने वाला है तो जरा सतर्क रहिएगा मकान भूमि से संबंधित कोई कार्य है तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है प्यार का इजहार आज बिल्कुल मत करिए विवाद की संभावना है और विद्यार्थियों की बात करूँ तो कम मेहनत में ही श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि थी तो सफलता तो शत प्रतिशत स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा कफ जन्य रोग पेट से संबंधित परेशानी दोनों की ही संभावना है सो जरा सावधान रहिए और आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण जरूर करिए प्रातःकाल लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज सफेद है निवेश भी आप कर सकते हैं और मकर राशि की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ होना पंचम ये चंद्रमा आ जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में ये लाभ के अचानक योग बना रहे हैं लेकिन चिंता सताएगी संतान की ओर से विद्यार्थियों की आज शिक्षा बाधित रहने वाली है योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तभी आपको सफलता मिलेगी किसी पर विश्वास मत करिए आज विश्वासघात की संभावना सबसे ज़्यादा है और कोई आपका ऐसा विश्वास है जिस पर आपको अपूर्व भरोसा हो वो धोखा देगा एकाग्र होकर के काम करिए जो भी काम करिए सोच विचार करके करिए सफलता मिलेगी नई योजना बनाइए योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी और छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए तो सफलता अवश्य मिलेगी जैसा कि मैंने कहा संतान की तरफ से आज थोड़ी चिंता हो सकती है विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं है दिन और व्यापारियों के लिए भी धनागमन तो है लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी आज आएंगी हालांकि मैं जानता हूं कि लाभ है ये बहुत अच्छी बात है नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता लेकिन नौकरी में अनचाहे ट्रांसफर की खबर या इशारा आपको दुखित कर सकती है क्रोध करना चुगली करना किसी की बुराई करना इससे बचना होगा और निवेश सोच समझ कर ही करिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा दांपत्य जीवन में थोड़े अनबन की संभावना है जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी की और प्रेम संबंध में भी आज तनाव व्याप्त रहेगा प्रेमी का मूड ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ी कमी जैसे पेट में जलन आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिए और आज अपने इष्ट देवता के का ध्यान करिए प्रातः काल ही लगभग दस पंद्रह मिनट बैठ करके और प्राणायाम करिए इससे फायदा मिलेगा लकी अंक पांच लकी कलर बैंगनी है कुंभ की बात करें तो पराक्रमस्थ चंद्रमा जब चले आएंगे चतुर्थ में तो घर में कलह का वातावरण लाएंगे हालांकि अगर खुले दिमाग से आप विचार करें तो हर क्षेत्र में आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का समर्थन पाने में आप सफल हो जाएंगे धन लाभ के योग भी बन रहे हैं परंतु ये ध्यान रखिएगा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बड़ा सतर्क और सावधान होकर के विवेक का इस्तेमाल करते हुए व्यापार बढ़ेगा और मीटिंग इत्यादि के लिए दिन है तो बढ़िया आपके पक्ष में ही लेकिन ये सतर्क होकर के ही हर काम करना है सफलता मिलेगी सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है हाँ बाधाओं के साथ संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है कोई वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं और अपनी भावना अपनी मन की बात आज हर किसी से या किसी से भी शेयर मत करिए जीवन शांति के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए सकारात्मक सोच रखिए उनकी भावनाओं का सम्मान करिए और उनसे आने वाले दिनों की चर्चा करिए और आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं इस बात की चर्चा करिए महत्वपूर्ण योजनाओं को उनसे शेयर करिए विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन और स्वास्थ्य के मामले में सरदर्द की शिकायत और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उनको थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है या कोई पुरानी बीमारी भी आज आपको परेशान कर सकती है आज एक चम्मच दही खाकर कहीं घर से बाहर जाइएगा लकी अंक चार है आपके लिए लकी कलर लाल निवेश कर सकते हैं और बात मीन की करें तो चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीयस्थ है हैं जाएंगे तृतीय भाव में बहुत बढ़िया है दिन का परिणाम आपके लिए बहुत सुखद आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है दिन कृतिका नक्षत्र का ये सूर्य आपके सोचे हुए सभी कार्यों को पूर्ण कराने वाला है जहां भाग्य का साथ आपको मिलेगा वहीं योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होने वाली हैं कार्यक्षेत्र में कार्यस्थल पर अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी बॉस के साथ कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी उसमें सुधार करने की कोशिश करिए आपको सफलता मिलेगी कोई पुराना विवाद कोई परेशानी खड़ी हो गई थी उसे खत्म करने की कोशिश करिए आज खर्च पर जरा कंट्रोल रखिएगा और जहां भी रहिए सीधी बात कहिए बिना किसी लाग लपेट और अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए व्यापारियों के लिए आज का दिन हर तरह से श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है और ऑफिस हो या खुद के लिए कोई व्यापारिक प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं सब कर सकते हैं ये सब आपके पक्ष में है जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा प्रेम संबंध में मजबूती आएगी दांपत्य जीवन में कुछ नए और बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित मामूली कुछ परेशानी जैसे थकान बदन दर्द की शिकायत हो सकती है वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है ओम गंगड़ पते नमः। इस मंत्र का इक्यावन बार आज जब कर लीजिएगा लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर ग्रे है निवेश कर सकते हैं तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार